पार्सल आ गया है और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या है देखते हैं इसके अंदर। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। और अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं, 6:40 हो रहा है अभी। और हमारा बाबू का सुबह सुबह मॉर्निंग वर्क में निकले हैं, क्योंकि हम लोग जाते थे मॉर्निंग वर्क, बहुत दिन हो गया छूट गया था, फिर बाबू और हम दोनों मॉर्निंग वर्क में निकले हैं। और गाइस, हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं। मेरा बाबू का, और इधर आप देख ही सकते हो पीछे सिटी कॉलेज है। और भाई, हम लोग आ चुके हैं पार्क सामने, देख ही सकते हो काफी मस्त पार्क है। गौणा कवि वैष्णव पाणी उद्यान पार्क, ठीक है, यहाँ का कुछ इस तरह नज़ारा है। और अंदर का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और इधर एक करीब में मंदिर भी है, और करीब में मंदिर और इस नदी के किनारे में पूरा मंदिर लगा हुआ है, और नदी के किनारे में भी ये पार्क है, ठीक है। और ये पार्क में रनिंग करने के लिए मस्त जगह है, क्योंकि पूरा करीब 500 मीटर करीब होगा एक राउंड, 400 से 500 मीटर होगा एक राउंड, ठीक है। बहुत सारे लोग इधर चल रहे हैं, मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। देख ही सकते हो काफ़ी इधर रनिंग के लिए काफ़ी जगह है, मस्त जगह है। और इधर जो दशहरा के लिए मेला लगना शुरू हो चुका है, आप देख ही सकते हो सब आ करके उन लोग अपना अपना जगह ले लिए हैं, देख ही सकते हो, ठीक है, आप देख ही सकते हो, ठीक है। गौणा कवि वैष्णव पंथी का प्रतिमूर्ति उन्मोचना, ठीक है, ये एक मूर्ति है जो कि कवि हैं वो वैष्णव। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो प्राणायाम हो रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है, ठीक है। इधर आप योग कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, बाबू उधर वेट कर रहा है बाबू। और मेरा बाबू क्या यहाँ से निकल रहे हैं, रूम को जाना है, रूम से फिर नहा धो करके रेडी हो करके फिर ड्यूटी आना है हम लोग, ठीक है, चल। और भाई, अभी थोड़ा गाड़ी कर। और भाई, हम लोग आ चुके हैं अपने रूम के पास, और ये रहा खूबसूरत मस्जिद। और ये ऊपर वाला जो आप देख ही सकते हो, पूरा ऊपर वाला ये अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट में रहता है क्या, ठीक है, वो पूरा जो लास्ट वाला वो हम रहते हैं उसमें, ठीक है। और जाएगा कि नहीं, अच्छा ठीक है, वो पानी भरेगा मस्जिद से, हम लोग मस्जिद का पानी पीते हैं क्योंकि मस्जिद में फिल्टर लगा हुआ है। और नीचे आप देख ही सकते हो प्रेस है, पेपर प्रेस, जिसे मतलब सरकारी दस्तावेज वगैरह सब प्रिंट होता है इधर। सुबह मॉर्निंग वर्क करने के बाद ये जो चना और पिस्ता बादाम है भिगो करके खाते हैं हम रोज, और इसको आप लोग भी खाइए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पार्सल आ गया है और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या है देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। रॉकेट 333 बोट का है, ब्लूटूथ, ठीक है। और अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसमें कैसा क्या है। और इधर अभी सिम है, इधर भी सिम हो, टॉप टू 30 और नॉन स्टॉप ऑडियो बैस दिया है, इसको
इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा है तो ले लेंगे और क्या। उनका ऑलरेडी मैं मंगा के दिया हूँ, वो भी देसी कंपनी का है, मस्त कंपनी का, मैं उनको मंगा के। लेकिन जो अच्छा खाना होगा आदमी उसको ही खाएगा ना, वो दाल वाल थोड़ी ना खाएगा। अरे ये अब इसको देखते हैं बजा करके कैसे क्या साउंड आता है, ठीक है। और साथ में क्या क्या दिया है, वन ईयर वारंटी, 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी दिया, ठीक है। और ये कुछ पढ़ने के लिए बुक दिया जो कि कोई कभी नहीं पढ़ता, ठीक है। स्टिकर भी है लगाने के लिए, लाइट दो चीज़ें, और छोटा सा केबल है जिससे चार्जिंग कर सकते हैं। टाइप सी दिया है ना, कौन सा केबल दिया है, टाइप सी केबल दिया है। मेरा भी मोबाइल का टाइप सी है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चार्जर से चार्ज हो जाएगा, मुझे कोर्ड की ज़रूरत नहीं है। ये स्टिकर है ना, ठीक है, काफ़ी मस्त दिया है। इसको फिर रूम में जा कर के स्टिकरिंग कर लेंगे और बस ख़त्म।